ये लाल साह रामानंद मांझी कौन है, किसको पता नहीं है कि ये कौन है, कि ये जिम्मेदारी किसकी है, अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगी। 7 सालों में इतनी बड़ी बड़ी घटना घटी, कोई थानेदार जेल क्यों नहीं गए, कोई चौकीदार दफेदार जेल क्यों नहीं गए, कोई नेता जेल क्यों नहीं गया, क्या MLA MP को पता नहीं है कि दारू कहाँ मिलता है। हाजीपुर में 103 मर्डर हुए हैं अभी तक 3 महीना के अंदर। इतनी बड़ी बड़ी घटना घटी, कभी विपक्ष को सुने आप आते, बालू का धंधा वही करते हैं, शराब का धंधा वही करते हैं, एम्बुलेंस का धंधा वही करते हैं। देखिए बिहार में पूरी तरीके से शराबबंदी है, लेकिन इस शराबबंदी के बाद भी बिहार में जिस प्रकार से जहरीले शराब का जो है रैकेट चल रहा है, जहरीले शराब से कई लोगों को जो है अपने जान गंवाने पड़ रहे हैं। ताज़ा घटना छपरा की है, जहां पर अब तक 13 लोगों की जो है मौत हो चुकी है, यानी 13 लोग जो अपना जान गंवा बैठे हैं और कई लोग घायल हैं और कुछ लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई है। देखिए ऐसे में सब बड़ा सवाल उठता है, जो शराब जो बंदी है इसके पीछे इस तरह की चीज़ें जो हो रही है घटना, जिसके पीछे कौन है। हालांकि पुलिस ने अब तक जो है कार्रवाई भी कर दी है, जो वहां के जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें निलंबित भी किया गया है और जो शराब माफिया है उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन इस तरह की घटनाएं बिहार में अनुमन देखने को मिलती है। देखिए इस वक्त पप्पू यादव जो है छपरा पहुंचे हैं और जो वहां पर जो मृतक के परिजन हैं उनसे मुलाकात किए हैं और जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनके लिए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और वहां पर पहुंच के पप्पू यादव ने लोगों की मदद भी। साथ ही सरकार के ऊपर जो है उन्होंने आरोप लगाया है, जिस तरह घटनाएं कैसे हो जाती, जब बिहार को ड्राई स्टेट घोषित किया गया है, जब बिहार को पूरी तरह से शराबबंदी जो है वाला प्रदेश बनाया गया, फिर इस तरह घटनाएं हो रही है, लोग अपने जान गवा बैठे, लोग अपने जान को जो है गंवाने पर मजबूर हैं, लोग शराब का सेवन करते हैं, लोगों की मृत्यु हो जाती है, इसके पीछे कौन है। देखिए क्या कुछ कर रहे हैं पप्पू यादव, आपको पूरी वीडियो जो है हम आपको सुनाते हैं। बालू का धंधा वही करते हैं, शराब का धंधा वही करते हैं, एम्बुलेंस का धंधा वही करते हैं, सब कुकर्म वही करते हैं और MP भी वही बनते हैं। कभी आप सुने यहाँ के MP MLA और छपड़ा किनका है, दोनों दल का है। इतनी बड़ी बड़ी घटना घटी, कभी विपक्ष को सुने आप आते, 1 बजे आने वाले, कभी गोपालगंज सुने आते, कभी आप नाम लेते सुना। हाजीपुर में 103 मर्डर हुए हैं अभी तक 3 महीना के अंदर। नित्यानंद राव वही का मिनिस्टर, पारस वही का, और विपक्ष का नेता वही, एक को बार कहीं नहीं गया। 21 बलात्कार हो चुके हैं अभी तक और सबके सब दल। उम्मीद मत करिए, हम पत्रकार जी से 4 बात कह के जा रहे हैं। हर परिवार को मेरे तरफ से तत्काल 10,000 रुपया और जो बच्ची है उसकी शादी में 25,000 रुपया बच्ची को अलग से। 10,000 रुपया इसीलिए ताकि वो कोई सब्जी का किसी चीज का दुकान वो कर ले। सरकार से मेरा सीधा सवाल है, सीधा, कि ये जिम्मेदारी किसकी है, अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा। 7 सालों में इतनी बड़ी बड़ी घटना घटी, कोई थानेदार जेल क्यों नहीं गए, कोई चौकीदार दफेदार जेल क्यों नहीं गए, कोई नेता जेल क्यों नहीं गया, क्या MLA MP को पता नहीं है कि दारू कहां मिलता है, कोई DSP पर के FIR लॉज क्यों नहीं हुआ, ये तय कौन करेंगे। 15 करोड़ वसूल लिए और 3200 करोड़ रुपया जो गरीब का टैक्स है उसको आप बंगाल, नेपाल, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश भेज दिए, मतलब मेरा पैसा बाहर, डेवलपमेंट का पैसा बाहर। और इन नेताओं पर ED क्यों नहीं, जो नरेंद्र मोदी BJP इनके साथ रहेंगे, उसको राजा हरिश्चंद्र वो सब कुछ ठीक, क्या नाम हुआ माफिया सबका जो दारू बेचता है, लाल साह और रामानंद मांझी। ये लाल साह रामानंद मांझी कौन है, किसको पता नहीं है कि ये कौन है। ऐसे कई लोग हैं, संदीप और मुन्ना साह संदीप पंडित मांझी, इन लोगों का घर कुर्की क्यों नहीं हो रहा है, इन लोगों पर FIR क्यों नहीं चल रहा है, इन लोगों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है। और ये लोग सब नेता से इन्वॉल्व हैं और सरकार बोलेगी कि दारू में हम पैसा नहीं देंगे।
एक बार पूछने वाला नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदल देता है। पुलिस भी महिला ले रही है और उल्टे उल्टे यहाँ हमारे एक बुजुर्ग को कल थाना में रखा हुआ था। बाकी ऐसे खबरों तक आप देखते रहिए टीवी। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।